आया कि 6743 जातियों में बटा हुआ है। किन किन का नाम देंगे? नहीं साथियों, हमको एक बात लेकिन समझनी है, अवतार जिनकी व्यवस्था चल रही थी उनके खिलाफ जिसने भी विद्रोह किया, जिसने भी एक समानांतर लाइन खींची, एक रेखा खींची, एक लंबी रेखा खींची, उन व्यवस्थावादियों ने क्या किया? उसको अवतार अपना बता दिया। गुरु नानक हिंदू के अवतार हो गए, बुद्ध हिंदुओं के अवतार हो गए, विष्णु के अवतार हो गए। बुद्ध को कहते हैं अपना लिया, लेकिन बुद्ध के विचारों को दरकिनार कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। ये जो विचारों को निष्प्रभावी करने का तंत्र है उसको समझने की जरूरत है। आपके बहुत सारे प्रतिनिधि जाते हैं पार्टियों में, लेकिन वो सारे आज के क्या हैं? आज के वो हिंदुत्व के अवतार हैं। उन खेमों के लिए वो हिंदुत्व के अवतार हैं, उनको अवतार बना दिया जाता है। आप राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, वो क्या है? आप प्रधानमंत्री का भी नाम ले लीजिए, आप किसी मंत्री का नाम ले लीजिए, वो क्या है? वो उनके लिए बुद्ध की तरह अवतार हैं। वो हमारी विचार, हमारे जो संघर्ष है उसकी कीमत उनको मिलती है। इस बात को साथियों हमको समझना जरूरी है। ये हमले होंगे इसलिए कि हमारे दिमाग में जो हमारा दिमाग जिस तरह से भरा गया है, हम एक दूसरे के खिलाफ। और बाबा साहब ने तो बहुत विस्तार से लिखा है कि हम ऊपर नीचे कैसे ऊपर नीचे के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर पिछड़ों को तोड़ना है तो कह दो यादवों को बहुत शेयर मिल रहा है, अब दूसरी जातियों को लाना चाहिए। दलितों में कह दो जाटवों को बहुत शेयर मिल रहा है। कभी आपसे ये नहीं कहा गया, कभी ये बात नहीं की गई कि कम से कम जो यहाँ जो आरक्षण की व्यवस्था है 49% से ज्यादा उन आरक्षण को कम से कम वो तो पूरा करो, तब हम हिसाब किताब करेंगे किसको कितना मिला नहीं मिला। और ये हमारे बीच का मामला है। लड़ाई को इस तरह से, मुझे लगता है कि हमको इस तरह से लड़ाई को समझने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं साथियों, दो नारे हैं, दो नारों को बात को समझो। एक नारा आया जब जिसकी बात कर रहे थे, जिस संगठन की, राजनीति का हिंदूकरण करना होगा और हिंदू का सैन्यकरण करना होगा। इस पूरे सत्र को साथियों, जिस दिन ये पूरा समाज समझ जाएगा कि ये क्या है, वाकई में ये क्या है सूत्र जो ये कह रहा है कि राजनीति का हिंदूकरण करना होगा और हिंदू का सैन्यकरण करना होगा, तो आपको 1947 नहीं 1925 से लेकर और 2019 तक की जितनी घटनाएं हैं वो बिल्कुल आईने की तरह आपके सामने साफ हो जाएगी। राजनीति का हिंदूकरण करना क्या होता है? आपके भीतर एक हिंदू की भावना को पैदा करना, आप जिससे प्रताड़ित रहे हैं उनकी भावना को पैदा करना। आपको बनना क्या था? आपको बनना था संविधान का एक नागरिक। संविधान किस लिए था? संविधान था निर्माण के लिए, समाज को बनाना था। समाज को बनाने के लिए आपको नागरिक बनना था। लेकिन जो इस विचारधारा की, जिस विचारधारा का वर्चस्व था, उसने कहा नहीं, ये संविधान के यदि नागरिक बन जाएंगे, संविधान के नागरिक बन जाएंगे, ये अस्पताल बनाने लगेंगे, ये स्कूल बनाने लगेंगे, ये कल कारखाने खोलने लगेंगे, ये नौकरी पेशे में जाएंगे, विदेश में पढ़ने जाएंगे, इनकी लड़कियां बाहर निकलेगी, हमारे वर्चस्व का तब क्या होगा? इसीलिए इनको हिंदू बनाने की व्यवस्था करो, हिंदू बनाने की एक पूरी प्रक्रिया चलाओ और इनके हाथ में किसी तरह से हथियार दे दो। हम सुनते हैं साथियों मॉब लिंचिंग में पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमिका, दलितों की भूमिका, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये नीति का हिस्सा है। आपके भीतर एक हिंदू पैदा करना और हिंदू के हाथ में हथियार देना, ये एक योजना का हिस्सा है साथियों। इस बात को हमको आप समझिए। आप कहते हैं मुसलमानों पर, मैं कहता हूं इस देश में मुसलमान कौन हुआ है, कहां गुस्सा है, किसके खिलाफ गुस्सा है, इस बात को समझिए। मुसलमान कौन बना है इस देश का? जो प्रताड़ित था, जो उत्पीड़ित था, जो सताया जा रहा था धर्म के नाम पर, वही तो गया। और वो कौन था? वो था समाज का वंचित तबका। ये गुस्सा आपको लगता होगा कि ये धर्म के खिलाफ है, नहीं साथियों, एक अहरे तरीके से इस बात को नहीं समझिए, ये दो तरफा हमला है।
एक दलित का होना, एक पिछड़े का होना और ऊपर से इस्लाम धर्म को कबूल कर लेना, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेना, ये एक बड़ा उनको हमले का जो आक्रमकता है, उनका हमलावर रुख है, उनकी जो क्रूरता है वो दो तरफा इसी तरह दिखती है, ये ज्यादा क्रूर दिखता है। साथियों, मुझे लगता है कि हमको इस बात को समझ के अपनी तमाम योजनाएं जितनी है हमको बनानी पड़ेंगी। मेरे कल साथी एक बता रहे थे, कल मेरे एक साथी बता रहे थे क्या होता है ये हिंदूकरण की प्रक्रिया, इसको समझिए कि हम लोगों ने कहा कि बौद्ध की 22 जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको दोहराया जाए। जैसे ही वो पहले नंबर की प्रतिज्ञा दोहराई गई, दूसरे नंबर की प्रतिज्ञा दोहराई गई, सामने से जो वंचित समाज का जो था कहता था हम अम्बेडकर को, बाबा साहब को मानते हैं, वो कह रहा है नहीं नहीं, बाबा साहब को ये कह ही नहीं सकते, बाबा साहब को ये कह ही नहीं सकते, बाबा साहब की ये बात आप झूठ तरीके से रख रहे हैं। ये है साथियों पूरी प्रक्रिया कि आपके भीतर वो जो बैठा हुआ है मन, वो जो मन बैठा हुआ है, उस मन को अगर आप भीतर से, अपने भीतर से नहीं झकझोरेंगे तो वो दूसरे से नहीं दुरुस्त होने वाला है। हमको और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये घटनाएं जो है, मैं बार बार कहता हूं आपकी साथियों से, हम केवल मिथकों में पढ़ते हैं द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा, लेकिन ये जो अंगूठा है आज केवल अंगूठा एक रूप में नहीं है, वो अस्पतालों में अंगूठा है, वो स्कूलों में अंगूठा बन गया है, वो हर जगह आपको अंगूठा तैयार कर लिया गया है। आप किस किस से अंगूठे की बात करेंगे, एक अंगूठे में आप फंसे रहेंगे, द्रोणाचार्य ने काट लिया, आज तो उसने तैयार कर दिया है सैकड़ों अंगूठे, स्कॉलरशिप बंद कर देंगे, हॉस्टल से निकाल देंगे, ये सारे आज के अंगूठे हैं साथियों, ये सारे आज के अंगूठे हैं, आदमी के अंगूठे हैं। इन अंगूठों को अगर आप नहीं पहचानोगे कि कदम दर कदम कैसे कैसे हमारे लिए अंगूठे तैयार कर दिए गए हैं, तो साथियों हम इस लड़ाई को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हमारी आपकी लड़ाई होगी, खूब होगी, हम आपस में लड़ेंगे, लेकिन हमारे बीच में एक समझौता है, एक हमारे बीच में एकता है, वैचारिक एकता है, ये जो वर्चस्व है इसको किसी भी तरह से हमें बर्दाश्त नहीं करना है, ये हमारी एकता का सूत्र होना चाहिए, ये हमारी एकता होनी चाहिए। बाकी जो घर में झगड़े हैं, जो ऊपर नीचे हैं, वो सब हम बात करते रहेंगे साथियों, वो करनी चाहिए, यही किसी आंदोलन की स्पिरिट हो सकती है और गति हो सकती है। मैं समझता हूँ साथियों कि हम आगे जब भी आंदोलन करने की बात करेंगे तो हमको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। आपने मुझे सुना और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।